एक आईएएस ऑफिसर ने काम और ममता के प्रति अपना फर्ज बखूबी निभाया है, जिसकी सब सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हम यहां बात कर रहे हैं एक महिला आईएएस ऑफिसर की, जो गाजियाबाद जिले में कोरोना काल के दौरान एसडीएम ऑफिसर के रूप में तैनात हुई। आईएएस ऑफिसर सौम्या पांडे ने डिलीवरी के 14 दिन के बाद ही ऑफिस रिज्वाइन कर लिया। वह 3 हफ्ते की बेटी को ऑफिस लेकर आई हैं और सारे काम निपटा लिए हैं। इस तरह से उन्होंने अपने काम और ममता के प्रति सही तौर पर फर्ज निभाया है। कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने काम के प्रति ये एक महिला की लगन ही है, जिसके चलते उसने डिलीवरी के मात्र 14 दिन के बाद ही ऑफिस रिज्वाइन कर लिया है। ये महिला एक आईएएस ऑफिसर है और गाजियाबाद जिले में कोरोना काल के दौरान एसडीएम ऑफिसर के रूप में तैनात हुई है। वहीं सौम्या कहती हैं कि कोविड-19 के दौरान ये हम सभी का फर्ज है कि हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम दें। सौम्या का कहना है कि वह एक आईएएस अधिकारी है, इसलिए वह अपने काम को स्वयं करती है। कोविड-19 के दौरान ये हम सभी का फर्ज है कि हम अपने काम को सही तरीके से सही से अंजाम दें। वह भी वही कर रही हैं। वैसे भी ईश्वर ने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है, जिसके चलते वे एक बच्चे को जन्म देती हैं और जन्म के बाद उसकी अच्छी परवरिश भी करती हैं। गांव की महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान घर से जुड़े सभी काम करती हैं और बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी देखभाल भी करती है। इसी तरह से यह ईश्वर का आशीर्वाद है कि वह अपने 3 हफ्ते की बच्ची के साथ प्रशासनिक काम करने में सक्षम है। सौम्या के अनुसार इन हालातों में उन्हें परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया है। पूरी तहसील और गाजियाबाद जिला उनके साथ परिवार की तरह है, जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद उनका साथ दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हर गर्भवती महिला को इस महामारी के दौरान काम करते समय जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। यहां आपको बता दें कि जुलाई से सितंबर तक वह गाजियाबाद में एसडीएम ऑफिसर थी। सितंबर में उन्हें अपने ऑपरेशन के दौरान 22 दिनों की छुट्टी मिली। डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने तहसील को रिज्वाइन कर लिया और अपनी बच्ची के साथ ड्यूटी पर वापस लौटी। जी बिल्कुल, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए, प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे के और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें, हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है, उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मेटर्निटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.